हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। हम डिस्कस करते हैं कि कल दैट इज मंडे 31 जुलाई, लास्ट जुलाई का ट्रेडिंग डे है और उसमें हम किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल रहना करना चाहिए, क्या मार्केट का व्यू रहेगा। और आपको पता है मैं आपके लिए डेली बेसिस पे अपलोड करता हूँ ये सब वीडियोस और वीकली बेसिस पे वीकली एनालिसिस करता हूँ जिसमें आप सब प्रॉपर डिस्कस करते हैं कि मार्केट में क्या व्यू रह सकता है और डेटा प्लस चार्ट, आपको मेरा फॉर्मेट पता है, मैं सबके एनालिसिस करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले डेटा देख लेते हैं। निफ्टी का डेटा अगर मैं आपके सामने यहाँ पे ओपन करूँ 3rd अगस्त, और यहाँ पे जो पीसीआर है वो 0.62 का है। 0.62 का पीसीआर का मतलब होता है बेयरिस। और यहाँ पर अगर हम देखें स्पॉट प्राइस तो 19638 है। और जो लोग नए हैं उनको बता दूं, ये कॉल का ओआई होता है जो ग्रीन कलर में होता है और ये जो लाल कलर में होता है ये पुट का ओआई होता है। तो जिस स्ट्राइक प्राइस पे पुट वाला यानी कि लाल कलर का ओआई सबसे ज्यादा होगा उसको हम सपोर्ट समझेंगे और जिस स्ट्राइक पे ये ग्रीन कलर वाला सबसे ज्यादा होगा उसको हम रेजिस्टेंस समझेंगे। तो अब यहाँ पे सिंपली देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 19600 पे सपोर्ट हमारे पास है और 19700 पे और 800 पे रेजिस्टेंस है। अब 800 पे देखिए सबसे ज्यादा है इसलिए 800 का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस होगा, 700 वाला नजदीक का रेजिस्टेंस है और जो हमारे पास सपोर्ट है वो 19638 का है, सॉरी 600 का है सपोर्ट। लेकिन अगर हम स्पॉट कहते हैं तो 19638 में मतलब ऑलमोस्ट 38 पॉइंट, इसको हम रफली पकड़ ले तो 40 पॉइंट, सिर्फ 40 पॉइंट ऊपर है। और इसमें अगर हम देखें तो इसी स्ट्राइक में कॉल का भी ओआई है बिकॉज यहाँ पे ग्रीन कलर वाला आप अगर देखेंगे तो है। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे असर ये पड़ता है कि इस साइड में कॉल का ओआई ज्यादा है 700, 800 और 600 में भी है। लेकिन अगर हम नीचे की तरफ देखें तो 400, 500 और 600 यहाँ पे ओआई कम है कॉल के मुकाबले। तो इसका मतलब अगर हम तीनों का समअप करें यहाँ पे 400 से लेकर के 800 के स्ट्राइक का, तो यहाँ पे कॉल का ओआई ज्यादा मिलेगा और पुट का ओआई कम मिलेगा। तो इसका मतलब जो फिलहाल मार्केट में पोजिशन बनाई गई है वो बेयरिश बनाई गई है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बाइंग भी हुई है FIS के द्वारा, तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि पूरी पोजीशन बेयरिश ही बनाई गई है, बट अल्टीमेटली यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। तो हम कैसे मानेंगे, तो 17800 हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है और 700 हमारा नजदीक का है और 600 हमारा सपोर्ट है। तो अब इसमें हमें ट्रेड कैसे करना होगा, तो सिंपली अगर हम देखेंगे मार्केट 600 के नीचे जाने लगे यानी कि निफ्टी, और वहां पे पुट का ओआई कम होना शुरू हो जाए, कॉल का ओआई और ज्यादा बढ़ जाए, तो आप ये समझो कि मार्केट और नीचे जा सकता है। लेकिन कल अगर मार्केट 638 के ऊपर ओपन हुआ या फिर 650-60 के ऊपर ओपन हुआ और थोड़ा ऊपर सस्टेन करने लगा, उस केस में अगर पुट का ओआई 600 वाला बढ़ेगा और कॉल वाला थोड़ा घट जाएगा, नहीं भी घटे लेकिन पुट वाला बढ़ना चाहिए, तो समझो मार्केट हमारा गिरेगा नहीं, कम से कम साइडवेज हो जाएगा या फिर बुलिश हो जाएगा। तो आप इसको जो है अंडरस्टैंड करिए। अब हम चलिए चार्ट को देख लेते हैं। तो चार्ट हमारे पास जो मैं लेवल डिस्कस कर रहा हूँ वो कैश का लेवल डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं, जब भी मार्केट एक बड़े बड़े स्विंग हाई बना करके और वो साइडवेज हो जाए तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है ज्यादातर साइडवेज ही रहेगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पे क्या है, एक ये स्विंग हाई है, एक ये स्विंग हाई है और यहाँ पे एक स्विंग लो था, इसको ब्रेक करके यहाँ पे नीचे का और ये स्विंग लो बना है। तो मार्केट में अभी फिलहाल हमारे पास ये देखेंगे तो लोअर लोस का फॉर्मेशन बन रहा है। लोअर लोस का जो फॉर्मेशन होता है ये 15 मिनट का चार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, ये नेगेटिव चार्ट पैटर्न होता है। लेकिन नेगेटिव चार्ट पैटर्न में भी इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर यही होता है कि प्राइस नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी तभी। तो ये पूरा एक डायरेक्शन चलने वाला है, आप इसको याद रखिए। मार्केट इसी तरह से चलता है जब भी ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनने वाला होता है तो। और अभी इसमें देखिए अगर तो सिर्फ मतलब ये H2 है, ये H3 बनना बाकी है, तो लगभग एक हाई और बनेगा फिर एक लो और बनेगा, ये उम्मीद ऐसी है बिकॉज ये पैटर्न का मतलब यही होता है। अब ये बन भी सकता है, बन नहीं भी सकता है, लेकिन हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे ये बात हम समझते हैं। ओके, तो सिंपली एक चीज तो ये देखा दी मैंने, दूसरी चीज मैंने कहा कि जब भी बड़ा कोई स्विंग हाई बना देता है मार्केट तो उसमें ज्यादातर उसी रेंज में साइडवेज रहने की उम्मीद होती है। लेकिन अगर उसी रेंज में फंस जाए तो, उस रेंज को तोड़ दे तो फिर वहां पे साइडवेज रहने की उम्मीद नहीं होती। अब देखो यहाँ पे एक हाई है, यहाँ पे एक लो है, यहाँ पे एक हाई है और ये समझे अगर तो ये पूरा हाई से लो है। अगर मार्केट इसके बीच में कहीं ओपन होगा तो ये पूरे रेंज में ही टाइम पास कर देगा पूरा दिन। ओके, लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे निकल जाता है तो फिर और बेयरिश हो जाएगा, और अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस फेस करे और तब नीचे आए, या फिर ऊपर भी जा सकता है, वो अलग बात है। बट अभी के हिसाब से क्या बन रहा है, अभी के हिसाब से बेयरिश प्राइस एक्शन है और बेयरिश डेटा भी है और थोड़ा बहुत सेंटिमेंट भी बेयरिश है। तो हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे ये बात याद रखिए। कल अगर मार्केट ये जो सपोर्ट है हमारा 19560 की अगर ऊपर ओपन हो जाए
तो यूं समझो कि वो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, पूरा इसी दिन पूरा टाइम पास कर लेगा। तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये पूरा टाइम पास करेगा, यानी कि इसी रेंज में फंस जाएगा। अब इसमें हम बाई सेल कैसे करेंगे, तो सिंपली अगर मैं इसमें आपको ट्रेंड लाइन बना दूं तो ये देखिए एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी, और इस ट्रेंड लाइन का जो सेलिंग प्रेशर आएगा वो लगभग यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो इस ट्रेंड लाइन के पास, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने आपको बना दिया, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के पास अगर इस ट्रेंड लाइन के पास आकर के सेलिंग प्रेशर फेस करें तो हम सेल करेंगे। लेकिन मैं आपको एक देता हूँ रेंज, मैं आपको देता हूँ रेंज, वो भी कैसी वाली, इस तरह से यहाँ पे एक सपोर्ट था और ये, और यहां से एक हमारा हाई ये। अब ये जो हमें रेंज निकल के आ रही है, ये रेंज निकल के आ रही है 19,780-87-90 ले लो, 19,790 से लेकर के 19,870, ये कुछ बड़ा नहीं हो गया 790 से 870, बट मिल रही है तो मैं क्या भी कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मिल रही है तो आपको बताना पड़ेगा। ओके, लेकिन इसमें करना क्या है ये तो पहले समझो। देखो सिंपल, 860 तक, थोड़ी रेंज बड़ी है, लेकिन इस रेंज में आपको कहीं भी कोई भी सेलिंग का प्रेशर दिखे तो आपको सेल करना है। पहला टारगेट आपका हो जाएगा 655 और दूसरा टारगेट ये वाला। ओके, तो मतलब ये जो रेंज मैंने आपको दी, यहाँ पे आपको सेल करना है किसी भी सेलिंग प्रेशर पे, लेकिन सेल करना 5 मिनट के अच्छे खासे सेलिंग रिवर्सल पे, दैट इज बेयरिश इंगल्फिंग या फिर आपका अच्छा खासा शूटिंग स्टार, इन सब पे आपको सेल करना है, या फिर कोई अगर हेड एंड शोल्डर टाइप बन जाए या फिर डबल टॉप बन जाए तो उन सब प्राइस सेक्शन पे आपको सेल करना है, बिकॉज ऊपर की तरफ थोड़ा सा सेलिंग का जोन बन रहा है। बाई कहाँ पे करेंगे, तो देखो ये सिंपल सी बात है, यही जो रेंज है ना, ये जब तक नहीं टूटेगी तब तक मार्केट फर्दर बेरिश नहीं होगा, और मैंने कहा था कि वो जो प्राइस सेक्शन बनता है उसमें प्राइस ऊपर भी जाती है। तो यहाँ से अगर ये जो आपका है 570 से ऊपर मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन हो, नीचे आए और फिर यहाँ पे कोई भी बाइंग का रिवर्सल मिले तो आपको बाई करना है, और पहला टारगेट आपका हो जाएगा यही 850 वाला जो मैंने बताया था। अब इसमें देखो पॉइंट याद रखो, अगर फ्लैट यहाँ पे ऊपर चला गया तो वो सेलिंग करना है, मैंने बताया था, नॉर्मल भी जाएगा तो भी सेल करना है, लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सा पास खुला या फिर यहीं पास में कहीं पे खुला और तब नीचे से ऊपर आने लगा तो ये फिलहाल नीचे से हम बाइंग भी करेंगे और ऊपर सेलिंग करेंगे, ये दो प्लान आप मान के चलिए। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन रहिए, मैं वहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ पूरा आपको लाइव मार्केट में कि प्री मार्केट के हिसाब से क्या ट्रेड करना है, और मैं आपको वो भी देता हूँ तो आपको एकदम क्लियर कट हो जाएगा कि क्या करना है। ओके चलिए, अब ये हो गया निफ्टी का, अब हम बैंक निफ्टी का डिस्कस कर लें। बैंक निफ्टी का हमारे पास जो प्लान है वो डेटा बता रहा है कि पीसीआर हमारा जो है, खुल जा सिम नहीं खुलेगा, ओके बैंक निफ्टी का पीसीआर हमारे पास वही 0.62 नहीं लगता है, नॉर्मल है, निफ्टी का 62 है, इसका 68 है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ब्रॉडर बेस में थोड़ी सी सेलिंग हो रही है फाइनेंस सेक्टर में भी और निफ्टी 50 में भी। ये 68 का पीसीआर जो होता है वो बेरिश होता है। ओके, और अभी हम बैठे हैं 460 पे, सो हमारे पास जो सपोर्ट है वो 45,500 का है। ओके, और वहीं पे रेजिस्टेंस भी है, तो रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग है और सपोर्ट जो है थोड़ा सा कमजोर है, बिकॉज कॉल का वाई ज्यादा है, पुट का वाई कम है, तो सपोर्ट भी वहीं पे है, रेजिस्टेंस भी वहीं पे, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग है। अब हम इसमें देखेंगे क्या, कल हम इसमें देखेंगे कि 45,500 के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होती है या फिर नीचे। अगर बैंक निफ्टी 45,500 के नीचे ओपन हुई और उस केस में कॉल का ओआई 500 पे 400 पे बढ़ा तो हम ये समझेंगे कि मार्केट हमारा बेरिश हो सकता है, दैट इज बैंक निफ्टी। और अगर कल 500 के ऊपर ओपन हुई उस केस में पुट का ओआई बढ़ गया 500 में, 600 में और 400 में, 600 में नहीं भी बढ़ेगा लेकिन 400 और 500 में बढ़ना चाहिए, अगर वहां पे पुट का वाई बढ़ जाएगा तो ये समझो मार्केट वहां से सपोर्ट ले लेगा और थोड़ा ऊपर जाने, मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है। फिलहाल आप इसको अंडरस्टैंड करिए। अब हम चलते हैं डेटा देख लेते, डेटा के बाद चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का कैश का लेवल सेम प्राइस सेक्शन है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम प्राइस सेक्शन है। हम इसको समझते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। सिंपल, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया था आपका,
ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इसी एरिया में लोअर लोज बना करके देखो लोअर लोज का फॉर्मेशन क्या होता है। आप 15 मिनट देखो लोअर लोज में क्या था, ऊपर भी जाते तो हम बाई भी कर सकते हैं, ऊपर सेल भी कर सकते हैं, सेल ऑन राइज रखना चाहिए, ये चीज आप याद रखो। लोअर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए प्राइस ऊपर गई और फिर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना करके ऊपर चली गई और यहाँ पे सेम एरिया से रेजिस्टेंस फेस किया। देखो ये देखो इतनी बड़ी रेंज यहाँ से रेंज, क्योंकि हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, इसलिए मैंने आपको निफ्टी में एक रेंज बना के दिया है। बिकॉज पॉइंट ये होता है ना कि कहाँ से घूम जाएगा कुछ आइडिया नहीं है, ओके तो आपको थोड़ा देना पड़ता है एक बफर करके, भाई हाँ चलो आप वहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो। एग्जैक्ट लेवल निकालने का जैसा कुछ होता नहीं है, ओके। और यहाँ पे देखिए डबल टॉप का आपका अच्छा खासा ब्रेकडाउन था और वहाँ से कंटिन्यू नीचे गिरी और इसके बाद फिर ये जो ओपनिंग था यहाँ पे भी बस उसके नीचे ही रह गई। और यहाँ पे मैंने आपको आई थिंक अपडेट भी किया था कि भाई बैंक निफ्टी में कुछ मुझे लग नहीं रहा है, तो सिंपल आप देख सकते हो ये प्राइस एक्शन भी जो है बहुत खतरनाक है, इसमें आप क्या ही ट्रेड करो कि। बट अभी इसमें हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि FIIs ने ऑप्शंस की बाइंग करी है इंडेक्स में भी, तो मुझे लगता है कि ये ट्रेडिंग पोजिशन उन्होंने बनाई है, और जब ट्रेडिंग पोजिशन उनके द्वारा बनाई जाती है तो बेसिक फंडा ये होता है, उसका मतलब कि वोलेटाइल मूव हो सकता है और हमें दोनों साइड खेलने का मौका मिलेगा। तो दोनों साइड अगर आपको खेलना है तो खेलो इंडिया खेलो, बट कैसे, रिस्क मैनेजमेंट के साथ और प्रॉपर इंट्री एग्जिट के साथ। तो ये देखो हमें मिल रहा है इंट्री बाई के लिए, क्यों, क्योंकि मैंने आपसे बताया हुआ है कि अगर प्राइस ऊपर जाकर के हॉल्ट ले फिर उसके बाद प्राइस ऊपर जाती है तो वो जो हॉल्ट वाला एरिया होता है बाइंग का अच्छा खासा सपोर्ट का जोन काम करता है, सपोर्ट बनता है वहां पे। ठीक वैसे सेलिंग के टाइम पे अगर प्राइस हल्टा अच्छा खासा हॉल्ट ले, थोड़ा सा हॉल्ट ले और फिर नीचे जाए तो वो एक सेलिंग का रेजिस्टेंस बनता है। तो फिलहाल हमारे पास क्या है, सपोर्ट। तो फिलहाल हमारे पास सपोर्ट क्या है, सपोर्ट है 150 से लेकर के 45,000 तक का, ओके ये 150 पॉइंट का रेंज है। तो सिंपली इस रेंज में आने पे कहीं पे भी निफ्टी में हम बाइंग का रिवर्सल देखेंगे तो बाई करेंगे। टारगेट ऊपर बहुत ज्यादा नहीं, खाली 150-100 पॉइंट। तो पहला टारगेट हो जाएगा 300 का और दूसरा टारगेट हो जाएगा 450 का। 400 का रखो, 300 का तो बहुत आ जाएगा, 300 और 400 का, बिकॉज यहाँ पे देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है तो इसने काम किया मतलब सपोर्ट की तरफ, ओके। बट यहाँ पे भी नीचे जाएगा तो यहाँ पे भी, तो देखो छोटा मोटा रेंज मिलेगा, मैंने कहा था वोलेटाइल रहेगा क्योंकि ऑप्शंस बाइंग हुई है। तो सिंपली इस रेंज में आने पे जो कि 45,100 से लेकर के 45,000 तक का है, 45,100 मैं आपको इसको बना देता हूँ, से लेकर के 45,000 तक का हमारा बाइंग का जोन बनेगा। यहाँ पे कोई भी बाइंग का रिवर्सल देख करके हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो उसमें होगा, स्टॉप लॉस होगा 960 का, 44,960। तो 960 के स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे आने पे हम बाइंग करेंगे और हमारा टारगेट होगा ऊपर की तरफ 300 का और दूसरा टारगेट 400 का। लेकिन 300 पे आपको 50% बुक कर लेना है और उस 50% को होल्ड करना है अगर 400 का टारगेट आ जाए तो। ये पहली प्लानिंग है बैंक निफ्टी में। दूसरी, अब यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने बताया था लोअर लोज बना करके यहाँ पे आया और यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना था, फिर प्राइस ऊपर गई और इस सपोर्ट को इसने तोड़ दिया और अगले दिन इसी सपोर्ट टूटने से वो टूट गया, बन गया रेजिस्टेंस। जब भी कोई सपोर्ट टूट जाता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है, ये नए लोग अच्छे से याद रखें। और यहाँ पे इसी ने रेजिस्टेंस का काम किया तो आगे चल के ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो सिंपल हमारी रेंज क्या होगी, अब हम इसको थोड़ा नए तरीके से देखते हैं। ओके ये जो कि शुरू हो रहा है 45,790 ले लो, 790 45,790 से लेकर के 45,870 इस रेंज में आने पे हम सेल करेंगे बैंक निफ्टी को, ओके। स्टॉप लॉस हमारा जो होगा, स्टॉप लॉस जो होगा 790 का, एक सेकेंड यहाँ पे है 880 का है ना, 870 का है, तो 870 की जगह पे हम स्टॉप लॉस लेंगे 900 का स्टॉप लॉस लेंगे, मतलब 40 या 50 पॉइंट ऊपर बफर, बहुत ज्यादा नहीं, 40-50 पॉइंट ऊपर यहाँ पे हम सिंपली सेल करेंगे इस रेंज में आने पे, और नीचे की तरफ हमें बाइंग करना है जो मैंने आपको बताया था। फिलहाल यही रेंज मुझे मिल रही है, इसके अलावा कोई बैंक निफ्टी में प्लान नहीं है। अगर मुझे दिखेगा कोई इसके अलावा कोई नई प्लानिंग तो मैं आपको अपडेट करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पे ज्वाइन रहिए। इसकी लिंक जो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी, और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉक एनालिस्ट सर्च करिए, वहां पे आपको आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये सब चीजें सीखनी है कि जैसे मैं लेवल्स निकालता हूँ, कैसे प्रेडिक्ट करता हूँ, डेटा कैसे देखता हूँ, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो।
हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। अगली बैच जो है वो 20 सितंबर से है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगस्त में कोई बैच नहीं है और सितंबर में बैच है, तो सितंबर की आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा उसमें मैंने डिटेल दे रखा है कि क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, और पूरी डिटेल है उसमें। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, देन उसके बाद आप ज्वाइन जरूर करिए। अब हम चलते हैं फिन निफ्टी को देख लेते हैं। तो फिन निफ्टी का हमारे पास डेटा क्या है? फिन निफ्टी का जो डेटा वो 0.59 का है, तो ये तो और बेरिश है उसके मुकाबले। ओके, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस है 20,400 का, सपोर्ट नहीं 20,400 नहीं 20,300 का ही रेजिस्टेंस है, 20,300 का रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट जो है हमारे पास वो 20,250 का और 200 का है। सपोर्ट थोड़ा सा स्ट्रांग है, मतलब नीचे की तरफ सपोर्ट है, बट हमें इसको दिखना है। तो हमें 250 और 200 के कॉल वाई पे नजर रखना है। कल अगर मार्केट 250 290 अभी है, यानी कि फिन निफ्टी अभी 290 है, और कल अगर 250 के पास जाने लगे या फिर 290 इन शॉर्ट समझो 300 के नीचे ओपन, 300 के नीचे अगर ओपन हो, तो अगर 300 के नीचे ओपन हो और उस केस में कॉल का वाई बढ़ जाए 250 वाला, 200 वाला और 300 वाला, तो आपको यह समझना है कि फिन निफ्टी नीचे जा सकती है, यानी कि बेरिश। और अगर ऊपर जाना होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि 250 का और 300 का पुट का वाई बढ़ेगा, तो समझो ऊपर जाएगी, लेकिन उसके लिए 300 के ऊपर ओपन होना जरूरी है। देख लेते हैं, ये मैं कैश के लेवल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सेम प्राइस सेक्शन है, कोई भी नया बदलाव नहीं है। यहाँ पे भी आपका बाइंग एरिया बनेगा सेम उसकी तरह जो हमारा निफ्टी है, बैंक निफ्टी। यहाँ पे हम बाइंग करेंगे 170 के आसपास, 20,175 है, तो 170 मान लो, 20,170 से लेकर के 20,140 तक हम बाई करेंगे अगर हमें बाइंग का लेवल मिलेगा तो। और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा उसमें स्टॉप लॉस छोटा सा होगा, 130 का होगा, 130 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा आई थिंक ये दिक्कत करेगा, पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 270 का। ओके, तो 270 का पहला टारगेट हो जाएगा और उसमें आप जो है कि प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। उसके ऊपर फर्दर मुझे नहीं लग रहा है कि ये, क्योंकि ये अच्छा खासा सेलिंग का जोन है। ये स्पाइक में अगर आएगा तो निकल सकता है, बिकॉज यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे देखिए अच्छा खासा इसमें रेजिस्टेंस बना था, तो ये एरिया जो है सपोर्ट का काम करेगा। बट फर्दर जो अभी आप समझ रहे हैं जो डेटा है वो बेरिश है, तो इसमें फर्दर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और हाँ, स्टॉप लॉस ले लीजिएगा बाइंग साइड में, उसको होल्ड नहीं करना है, बिकॉज डेटा जो है नेगेटिव है। हम जस्ट एक टेस्ट कर रहे हैं, एक रिस्क ले रहे हैं कि हाँ अगर यहाँ पे लेवल्स आएगा तो बाई करेंगे, अदरवाइज वहाँ पे रिस्क लेना नहीं है ज्यादा। आपको सिर्फ उसमें रिस्क के साथ यानी कि ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो जाना है, एकदम याद रखिए। ऊपर की तरफ हम सेल कहाँ करेंगे, तो ऊपर की तरफ देखिए ये पूरा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का जोन बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हो गया और रेजिस्टेंस बना हुआ है। सेम बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन है, आप इसको याद रखिए। सेल कहाँ पे करेंगे, तो इसको हम सेल करेंगे थोड़ा सा ऊपर, हम इसको सेल करेंगे थोड़ा सा ऊपर और हमें इसको सेल ही करना है। तो पहला सेलिंग का लेवल क्या होगा, पहला सेलिंग का लेवल होगा ये वाला। दूसरा सेलिंग का लेवल क्या होगा, दूसरा सेलिंग का लेवल होगा ये वाला। तो हमें इसको सेल ही करना है, तो सिंपली अगर ऊपर जाएगा यानी 420 के आसपास, और 420 से लेकर 450 ये हमारा पहला सेलिंग का लेवल होगा। और अगर डायरेक्ट ऊपर चली गई, यहाँ पे कोई सेलिंग का रिवर्सल नहीं मिला, सेलिंग का रिवर्सल मतलब जैसे यहाँ पे गई और ऐसे ऐसे अटकने लगी, नीचे आ गई थोड़ा सा, तो सेल करना है। लेकिन अगर एक ही कैंडल में ऊपर चली गई तो यहाँ से सेल करेंगे, एकदम परफेक्ट चीज याद रखा करो। तो ये है 20,500 से लेकर के 535 तक का स्टॉप लॉस जो आपका होगा 560 का होगा स्टॉप लॉस, 560 का आपका स्टॉप लॉस होगा और आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे। नीचे की तरफ आपका टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 320 का। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट ऊपर चला गया तो यहां से सेल करना है, और अगर यहीं से सेलिंग प्रेशर झेल लिया तो इसके पास हमें सेल करना है, यहां पे नीचे बाइंग करना है। फिलहाल ये चीज आप याद रखिए, क्योंकि मार्केट में जो व्यू है वो बेरिश टू वॉलेटिलिटी का है। और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगती है तो आप जो है इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और यहाँ पे भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। और अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ तो आप इसको जरूर शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।